नमस्कार बच्चों, नव भारती परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था किंगडम मुनेरा प्रोटिस्टा एंड फंजाई, उसमें मैंने आपको मुनेरा तक कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से। किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है इसमें कुछ सिमिलैरिटी बैक्टीरिया जैसी होती हैं और कुछ डिफ्रेंशिएशन बैक्टीरिया जैसे होते हैं। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये इस अर्थ पर वो फर्स्ट ग्रुप था जिसको देखा गया था, यानी कि वन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ आर प्रोटोजोअन्स। इनको 1.5 मिलियन ईयर एगो देखा गया था। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। दे कैन कॉज डिसीज़, मतलब कि ये डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, यानी कि बीमारी भी फैला सकते हैं। कैन बी पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स की तरह भी होते हैं, यानी कि ये दूसरों पर निर्भर होकर अपना खाना जो है बनाते हैं। अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं दे आर डिफरेंस फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी कि इनमें हैज़ ए न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। लिव इन वाटरी एनवायरनमेंट, इट मीन्स ये वाटरी एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। जनरली लिव एज इंडिविजुअल सेल, ये इंडिविजुअल सेल की तरह रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। और प्रोटिस्ट वेरी ग्रेटली इन अपियरेंस एंड फंक्शन, इनके फंक्शन भी बहुत मतलब बहुत अच्छे से करते हैं और इनका अपियरेंस भी जो है बहुत डिफरेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटेगरीज की, तो प्रोटोजोअन्स जो होते हैं, प्रोटिस्टास जो होते हैं, वो एनिमल लाइक होते हैं, प्लांट लाइक होते हैं और फंगस लाइक होते हैं। एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, फंगस लाइक, तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हो ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स हैं, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में अगर स्टार्ट करें तो प्रोटोजोअन्स मींस फर्स्ट एनिमल, वो एनिमल जिसे सबसे पहले इस अर्थ पर देखा गया था। इनकी सेल जो है न्यूक्लियस कंटेन करती है, इट मींस इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। दैट्स वाई ये प्रोटिस्ट जो होते हैं वो एनिमल लाइक होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दे आर हीटरोट्रॉफ्स, इट मीन्स जैसे एनिमल जो है हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये भी हीटरोट्रॉफ्स हैं, मतलब कि ये अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। मोस्ट कैन मूव ऑन देयर ओन, ये अपने आप जो हैं मूव करते हैं, ये बहुत लिटिल एनिमल्स की तरह होते हैं। अ ग्रुप ऑफ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो सबसे पहले इसमें सार्कोडाइंस आते हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे आगे, सीलिएट्स होते हैं जिनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, फ्लैजलेट्स होते हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, स्पोरोजोअन्स होते हैं जो स्पोर्स प्रोड्यूस करके अपनी आगे की जनरेशन को बढ़ाते हैं। अगर सार्कोडाइंस को पढ़ें हम तो सार्कोडाइंस जो होते हैं सूडोपोड्स होते हैं इनमें, मतलब कि हैव अ सूडोपोड्स यानी कि फॉल्स फुट, फुट जो कि मतलब कोई इनके शरीर का ऐसा हिस्सा जो कि फुट जैसा लगे, वो सूडोपोड्स की तरह, यानी कि वो हिस्सा इनका मूवमेंट करने में मदद करें। इन सार्कोडाइंस के अंदर रियल फुट नहीं होते हैं, इनके शरीर का एक हिस्सा इस तरीके का लगता है जैसे कि वो फुट हो, इसलिए इन्हें सूडोपोड्स बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म का इनके अंदर एक्सटेंशन होता है। सूडोपोड्स आर यूज्ड फॉर मूवमेंट्स एंड कैप्चर फूड, सूडोपोड्स जो होते हैं वो मूवमेंट करने में और फूड कैप्चर करने में हेल्प लेते हैं। यानी कि जैसे अमीबा की अगर हम बात करें, सार्कोडाइंस के अंदर आगे हम अमीबा पढ़ेंगे, अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होता है जिसके अंदर वो खाना उनका स्टोरेज होता है और उसी में वो सिंथेसाइज होके और वो बॉडी के
बॉडी के और दूसरे पार्ट्स में से रिमूव आउट हो जाता है, यानी कि फूड डाइजेशन जो है फूड वैक्यूल के अंदर ही होता है इनका। और सूडोपोड्स वो पार्ट होता है जिससे ये अपने खाने को अंदर जो है वो लेते हैं। जैसे कि अगर हम अमीबा की बात करें तो इस तरीके से अमीबा होता है, उसके अंदर उनका फूड वैक्यूल ये प्रेजेंट होता है। जैसे ही इनके पास में प्रे पहुँचता है, ये उस प्रे को क्या कर देते हैं, एनगल्फ करके अपने अंदर ले लेते हैं सूडोपोड्स की हेल्प से। और इसी फूड वैक्यूल के अंदर ये फूड जो है आगे फर्दर जो है क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। इस फूड वैक्यूल के अंदर खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है और स्टोर भी होता है। तो सूडोपोड्स वो पार्ट्स हैं जो कि खाना खाने को कैप्चर करते हैं, फूड कैप्चर का काम करते हैं। ठीक है, मैनी हैव शेल्स, इनमें बहुतों के अंदर शेल्स होते हैं जिनमें जो कि लाइमस्टोन, मार्बल और चौक बनाने में मदद करते हैं। मार्बल, चौक और लाइमस्टोन के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। तो आगे अगर हम मूव करें सार्कोडाइंस के बारे में, तो अमीबा क्या होता है, अमीबा भी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ये सार्कोडाइन फैमिली का होता है। इसके अंदर भी सूडोपोड प्रेजेंट होते हैं, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इसके अंदर भी, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये इनका फूड वैक्यूल है, इसी के अंदर ये जो पार्ट होता है, ये जो जा रहा है, ये सूडोपोड्स होते हैं, ये वाला ऐसा सूडोपोड्स होते हैं। और ये सूडोपोड्स जो हैं वो इस तरीके से खाने को, ये जो है ये भोजन है, क्या है ये भोजन है, ये जो जा रहा है ये प्रे है, ये प्रे को अपने इस फूड वैक्यूल के अंदर एंट्री दे देते हैं और इसी के अंदर वो उसका डाइजेशन भी करते हैं। ठीक है, ब्लॉब शेप बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो सके, प्रे के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि वाटर कितना आ सकता है उस अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। फूड वैक्यूल होते हैं जो कि फूड का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्प्लिट पर्सनैलिटी अमीबा के अंदर होती है। ठीक है, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू न्यू सेल्स, बाइनरी फिजन के थ्रू ये जो है डिवाइड करते हैं। इट मीन्स इनके अंदर जो इनका न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेट होके रिप्रोड्यूस करता है। जैसे ये अमीबा है, ये इनका न्यूक्लियस है, नेक्स्ट सेल में यही जो न्यूक्लियस है वो ऐसे भर जाएगा, फिर नेक्स्ट फर्दर जो है यही जो न्यूक्लियस है ये इस तरीके से बढ़ के इलोंगेट होके बीच में से थिन हो जाता है और ये डिवाइड होके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन की रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से डिवाइड करता है। अमीबा कैन रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। अमीबा जो है अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। दे आर सेंसिटिव टू लाइट एंड सम केमिकल्स, ये कुछ केमिकल्स के लिए और लाइट के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सीलिएट्स की बात आती है। यहाँ पर सार्कोडाइंस जो है उसमें अमीबा को बता के कंप्लीट किया, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलिएट्स की। सीलिएट्स के अंदर जो है सीलिया प्रेजेंट होता है उनके आउटसाइड बॉडी पे, टिनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि मूवमेंट में मदद करते हैं और फूड को एनगल्फ करने के लिए या गैदर करने के लिए भी मदद करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पैरामीशियम। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पैरामीशियम का, ये स्ट्रक्चर जो है एक पैरामीशियम का है। इसमें आप छोटे छोटे ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट करने में मदद होते हैं। इनके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, टू न्यूक्लिया ही होते हैं। तो आगे देखते हैं, एक चप्पल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये पेलिकल होता है इसका, जो आउटर ये आउटर पार्ट जो होता है ये टफ होता है, टफ आउटर वॉल होती है उसको पेलिकल बोलते हैं। स्लिपर शेप्ड होता है यानी कि चप्पल जैसा शेप्ड होता है, फ्लैट होता है ये। ग्रूव लाइक माउथ होता है जो कि अपने प्रेडेटर को, अपने प्रे को जो है कैप्चर करता है।
गलेट होते हैं जो कि खाने को होल्ड करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। फूड वैक्यूल होता है जिसके अंदर खाना जो है डाइजेस्ट होता है। एनल पोर होता है जिसमें से वाटर और या फिर वेस्ट जो है वो रिमूव होता है। टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जिसमें खाना और फूड दोनों जो है इजीली, वाटर और फूड जो है वो इजीली स्टोर और डाइजेस्ट हो सके। टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, मैंने बताया था एक ये रहा और एक यहाँ पे है। टू न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर होता है ये, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फ्यूजन और कंजुगेशन दोनों की तरह से होता है। अगर फ्लैजलेट्स की बात करें, सीलिएट हो गया, अब बात आती है फ्लैजलेट की। इसके अंदर जू फ्लैजलेट होते हैं। फ्लैजलेट्स वो होते हैं जिनमें फ्लैजलम प्रेजेंट होता है। फ्लैजलम जो होता है वो लॉन्ग वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। ये सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म दोनों की तरह काम करते हैं। सिम्बायोसिस वो होती है जो कि ये एक इस तरीके का रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कि कम से कम एक को बेनिफिट पहुंचाए, ठीक है, एक एक दूसरे से बेनिफिट ले पाए। म्यूचुअलिज्म की अगर बात करें तो म्यूचुअलिज्म होते हैं जिसमें दोनों ही पार्टनर जो है बेनिफिट पा पाते कर पाते हैं, ठीक है। अगर स्पोरोजोअन्स की बात करें तो स्पोरोजोअन्स के अंदर ऑल स्पोरोजोअन्स जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर सर्वाइव कर पाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवलिटी के लिए, अपने प्रोडक्शन ऑफ फूड के लिए, फूड सिंथेसिस के लिए। दे फीड ऑन सेल्स एंड बॉडी फ्लूड, सेल और बॉडी फ्लूड के ऊपर फीड करते हैं। ये स्पोर्स टिनी रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं, स्पोर्स वहाँ से ये रिप्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि स्पोर्स जैसे पार्ट्स होते हैं इनके अंदर, स्पोर टिनी रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं जहाँ से ये फॉर्म होते हैं, इसीलिए इनको स्पोरोजोअन्स बोलते हैं। पास फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पास हो सकते हैं, और ये पास किसके थ्रू होते हैं, टिक्स मॉस्किटोज और अदर एनिमल्स टू एनिमल्स में, ह्यूमंस में मूव करते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्टस की बात करें, जैसे कि एल्गी है, ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं, यानी कि इनमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और मोर देन वन सेल प्रेजेंट होने वाले भी सेल्स सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। कॉलोनीज होती हैं, यानी कॉलोनीज वो होती हैं जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट के ग्रुप्स को कॉलोनीज बोला जाता है। कैन मूव ऑन देयर ओन, ये अपने आप मूव करती हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, सिंपल मटेरियल से, जैसे कि लाइट एनर्जी को ये यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। जैसे प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो अर्थ पर जो ऑक्सीजन 70% है वो ऑल बिकॉज ऑफ प्लांट लाइक प्रोटिस्टस की वजह से है। इनमें जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट उसी की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। पिगमेंट्स वो होते हैं जो पिगमेंट जो होते हैं वो केमिकल होते हैं जो कि कलर जो है प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स होते हैं, रेड, ब्राउन, ग्रीन, ठीक है, इसीलिए रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी को हम आगे पढ़ेंगे। अ ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं यूग्लेनॉइड्स, उसमें आते हैं फिर डायटम्स, उसके बाद आते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स, उसके बाद रेड एल्गी और उसके बाद ग्रीन एल्गी, लास्ट है ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूग्लेनॉइड की, यूग्लेनॉइड्स कौन से होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, फ्रेश वाटर में रहना पसंद करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और यही हीटरोट्रॉफ्स भी होते हैं जो कि सर्टेन कंडीशन में दूसरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। फ्लैजेला होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में मदद करते हैं। ये सेंसिटिव टू लाइट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। पेलिकल भी प्रेजेंट इनके अंदर होता है। पेलिकल वो पार्ट होता है, जैसे इसमें जो पेलिकल है ये इनके आउटर लेयर है, जो टफ आउटर लेयर को पेलिकल बोलते हैं, जैसा पैरामीशियम के तहत ऐसे यूग्लेनॉइड्स के भी होता है। डायटम्स यूनिसेलुलर होते हैं,
10,000 लिविंग स्पीसीज इनकी देखी जाती है। ये एक्वेटिक होते हैं जो कि पानी में रहना पसंद करते हैं। ग्लास लाइक सेल वॉल होती है, यानी ट्रांसपेरेंट सेल वॉल होती है इनकी, ठीक है। ये डेड डायटम्स जो कि टूथपेस्ट, कार पॉलिश और रिफ्लेक्टिव पेंट जैसे जो पार्ट हैं वो डेड डायटम से आते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स की अगर बात करें तो डाइनोफ्लैजेलेट्स यूनिसेलुलर होते हैं। सेल वॉल लाइक प्लेट्स ऑफ आर्मर होते हैं, यानी सेल वॉल जैसे होते हैं बट सेल वॉल उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, प्लेट्स ऑफ आर्मर प्रेजेंट होते हैं। टू फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जो मूवमेंट में मदद करते हैं। स्पिन्स व्हेन इट मूव्स, स्पिन करते हैं जब ये मूव करते हैं। कलरफुल पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। कैन ग्लो इन द डार्क, डार्क क्योंकि इनके अंदर कलरफुल पिगमेंट है तो अंधेरे में भी ये ग्लो करते हैं। कॉजेज रेड टाइड, रेड टाइड कॉज करते हैं। रेड एल्गी की अगर बात करें तो रेड एल्गी जो है मल्टी सेलुलर सीवीड्स होते हैं। लिव इन डीप ओशियन, डीप ओशियन में, डीप ओशियन वाटर में रहना पसंद करते हैं। यूज्ड फॉर आइसक्रीम एंड हेयर कंडीशनर में रेड एल्गी को यूज़ किया जाता है। यूज्ड एज फूड इन एशिया, एशिया में इसे खाने की तरह भी यूज़ किया जाता है। ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। सम फॉर्म कॉलोनीज, कुछ कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। फ्यू आर मल्टी सेलुलर, कुछ जो है वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। कैन लिव इन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर एंड ऑन लैंड इन डैम प्लेसेस, ठीक है। ये जो हैं फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में रहना पसंद करते हैं और डैम प्लेसेस के लैंड पर भी रहना पसंद करते हैं। वेरी क्लोज रिलेटेड टू ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जैसे ये होते हैं क्योंकि ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्राउन एल्गी होती है। ब्राउन एल्गी जो होती है कॉमनली कॉल्ड एज सीवीड, ठीक है। कैन कंटेन ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड ब्लैक पिगमेंट, इस तरीके के पिगमेंट इनमें होते हैं। ग्रीन भी होते हैं, येलो भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, ब्लैक पिगमेंट्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ये रॉक्स से सबसे ज़्यादा अटैच रहते हैं। हैव एयर ब्लैडर्स, एयर ब्लैडर्स होते हैं इनके अंदर। जैंट कैल्प कैन बी 100 meters लॉन्ग। यूज एज फूड थिकनर्स, ठीक है, यू फूड की तरह यूज़ किए जाते हैं। फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स होते हैं, फंगस का मतलब कि अब बात आती है एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, अब फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स की बात करते हैं। फंगस लाइक जो प्रोटिस्ट्स होते हैं ये यूटरोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हैव सेल वॉल्स, इनके सेल वॉल होती है, ठीक है। मैनी हैव फ्लैजेला एंड आर एबल टू मूव एट सम पॉइंट इन देयर लिव्स, ठीक है। इनके फ्लैजेला होते हैं जिससे कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकें। थ्री टाइप्स, स्लाइम मोल्स, वाटर एंड डाउनी मोल्स जो हैं इनके टाइप्स होते हैं। रिप्रोड्यूस विद स्पोर्स, स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं। वाटर एंड डाउनी मोल्स की बात करें तो वाटर और मॉइस्ट प्लेस पर रहना पसंद करते हैं। टिनी थ्रेड्स दैट लुक लाइक फस, फस की तरह छोटे छोटे पतले पतले धागे जैसे ये होते हैं। अटैक फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स पर अटैक करते हैं। ये आप देख रहे हो ये फूड क्रॉप है, इसके ऊपर किस तरीके से वाइट कलर का इन्होंने फंगस बना लिया है। ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये है वाटरी एंड डाउनी मोल्स। ये मॉइस्ट प्लेसेस पे होते हैं और फूड क्रॉप्स पे अटैक सबसे ज़्यादा ये करते हैं। कॉज देयर इरिश पोटैटो फेमाइन, ठीक है। ये जो पोटैटो होते हैं उसमें इरिश पैदा करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें होते हैं स्लाइम मोल्स, ठीक है। ये फ्रूटिंग बॉडी की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। और द फ्रूटिंग बॉडी कंटेन्स स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर स्पोर्स होते हैं। एट फर्स्ट दे लुक लाइक अमीबा, अमीबा जैसे लगते हैं। देन लेटर दे लुक लाइक मोल्ड आफ्टर दे
उसके बाद मैच्योरेशन के बाद में ये मोल्ड जैसे दिखने लगते हैं। लिव ऑन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं। फीड ऑन बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं, अपने खाने के लिए बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें लिख सकते हो कि आपको क्या डाउट इसमें लगा है, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।